Hello everyone, myself Dr. Navlata from RD College Sheikhpura. Today I will discuss the sudden point of a perfect competition firm in short run. यानी कि short run में यदि किसी firm को loss हो रहा है तो किस point पर वो अपने firm को shut down करेगा, उसको हम discuss करेंगे. तो last class हम लोग देख चुके हैं कि अल्पकाल में कोई फर्म परफेक्ट कंपटीशन के अंडर काम कर रहा है तो वो उसको लॉस भी हो सकता है, और टाइम पीरियड इतना कम होता है कि वो फर्म से एग्जिट, इंडस्ट्री से एग्जिट नहीं कर सकता है. तो जैसे कि हम जानते हैं कि दो तरह के जो होते हैं शॉर्ट रन में, जो है दो तरह के उत्पादन के साधन होते हैं, एक परिवर्तनशील साधन और एक स्थिर साधन. परिवर्तनशील साधन पर जो खर्च किया जाता है उसको हम बोलते हैं वेरिएबल कॉस्ट, और स्थिर साधन पे जो खर्च किया जाता है उसको हम बोलते हैं फिक्स्ड कॉस्ट. यदि हम कॉस्ट कर्व की बात करेंगे, टोटल की बात करेंगे, तो कुछ इस तरह का होता है. टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू होता है टीएफसी प्लस टीवीसी. ये होता है शॉर्ट रन के लिए होता है. लॉन्ग रन में हम जैसे कि जानते हैं कि जो टोटल जो फिक्स्ड कॉस्ट होता है वो सारे के सारे वेरिएबल हो जाते हैं. अब फिक्स्ड जो है साधन, यानी कि स्थिर साधन क्या आता है, स्थिर साधन में हमारा आएगा जैसे भूमि हुआ, मशीन हुआ, उपकरण हुआ, ये सब जो है लैंड, फैक्ट्री, मशीन, ये सारे जो है हमारे उत्पादन के फिक्स्ड साधन है, फैक्टर हैं. और वेरिएबल में क्या आएगा, जैसे लेबर हुआ, फिर रॉ मटेरियल हुआ, ये सारे जो है वेरिएबल हैं. शॉर्ट रन में कुछ हद तक जो है हम वेरिएबल जो फैक्टर्स है उसमें परिवर्तन ला सकते हैं, लेकिन फिक्स्ड में जो है उसमें परिवर्तन नहीं ला सकते हैं. जब समय अधिक हो जाता है, लंबी अवधि की बात करते हैं, तो जो फिक्स्ड जो हमारे स्थिर साधन है उसमें भी परिवर्तन ला सकते हैं, तो वो भी क्या हो जाता है, परिवर्तनशील साधन हो जाते हैं. तो चूंकि हमारा जो है अल्पकाल में दो प्रकार की लागतें होती है, एक होता है स्थिर लागत और एक होता है वेरिएबल लागत, यानी कि ये इसका हम एवरेज कॉस्ट की बात करें तो कुछ ऐसा होगा. यदि एसी और एटीसी का बात करें तो हमारा होगा एएफसी प्लस एवीसी, ये होगा शॉर्ट रन में. तो ये दो तरह का कॉस्ट जो है वो बियर करना पड़ता है शॉर्ट रन में किसी भी फर्म को. अब बात आती है कि कब जो है कोई फर्म जो परफेक्ट कंपटीशन के अंडर काम कर रहा है तो कब वो शटडाउन करेगा. क्योंकि लास्ट क्लास में बताई थी कि एक फर्म को लॉस भी हो सकता है और टाइम पीरियड इतना कम है कि वो एग्जिट नहीं कर सकता, तो वो कब तक सर्वाइव करेगा, अपने जो है प्रोडक्शन को कंटिन्यू कब तक करेगा, वो अभी हम देखेंगे. तो जो फर्म है यदि लॉस में है, तो लॉस में है जब तक फर्म को एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के बराबर प्राइस मिलता रहेगा तब तक वो जो है फर्म अपने प्रोडक्शन को कंटिन्यू करेगा, वो इसका फिक्र नहीं करेगा. क्योंकि यदि मान लेते हैं कि शॉर्ट रन में वो काम कर रहा है तो वो उत्पादन करे या ना करे, यदि कोई जो है प्रोड्यूसर एक फैक्ट्री खड़ा कर दिया है, मशीन लगा दिया है, लैंड को जो है वो हायर कर लिया है, तो वो तो कॉस्ट उसको बियर करना पड़ेगा. अब वो उत्पादन नहीं करे या करे, उसको उसका उसका तो कॉस्ट उसको बियर करना ही है. तो वो चाहेगा अपना फर्म को शट डाउन नहीं करना चाहेगा जब तक कि उसको ये कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट मिलता रहेगा. तो इसको यदि हम डायग्राम से दिखाएंगे तो कुछ इस तरह का डायग्राम होगा, और हम वो पॉइंट निकालेंगे डायग्राम से जिस पॉइंट पर वो जो है अपने फर्म का शट डाउन करेगा. कुछ ऐसा होगा डायग्राम. Y एक्सिस जो है सिमिलरली कॉस्ट एंड प्राइस को रिप्रेजेंट करेगा, और जो X एक्सिस है वो हमारा आउटपुट या क्वांटिटी को करेगा रिप्रेजेंट. तो हम यहाँ लिख देते हैं क्वांटिटी, आप आउटपुट भी लिख सकते हो. जैसे कि हम लोगों को पता है परफेक्ट कंपटीशन की बात करते हैं, तो परफेक्ट कंपटीशन में जो मार्जिनल रेवेन्यू और एवरेज रेवेन्यू कर्व होता है पैरेलल टू X एक्सिस होता है,
क्योंकि ये प्राइस टेकर होता है। तो हम यहाँ पर ये डालते हैं, ये हो गया ए आर वन इज इक्वल टू एम आर वन। वन वन हम इसलिए डाल रहे हैं कि हमको दिखाना है कि वो कौन सा एवरेज रेवेन्यू होगा, एवरेज रेवेन्यू, मार्जिन रेवेन्यू या प्राइस होगा जिस पर कि जो है फर्म अपना शट डाउन करेगा प्रोडक्शन और आगे नहीं बढ़ाएगा। तो चूंकि शट डाउन करने का जरूरत कब पड़ेगा, जब वो फर्म लॉस में चल रहा है। तो हमको सबसे पहले हमको इसको क्या करना है, इक्विलिब्रियम पॉइंट्स निकालना है। तो इसका इक्विलिब्रियम जो होगा, तो सभी को लास्ट क्लास ही मैं बता चुकी हूँ कि इक्विलिब्रियम कब होता है, जहाँ पर एम आर इक्वल टू एम सी होता है और जो है एम सी कर्व एम आर कर्व को नीचे से कट करता है। चूंकि हम शॉर्ट रन की बात करते हैं इसलिए एस एम सी शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट ये है। तो इसका इक्विलिब्रियम जो है यहाँ पर ई आर है, चूंकि ये फॉर्म ये जो फॉर्म है वो लॉस में चल रहा है। तो हमारा क्या होगा, जो प्राइस है तो ए आर से जो है इसका कॉस्ट जो होगा, एवरेज कॉस्ट जो होगा वो अधिक होगा, यानी कि कुछ ऐसा होगा एवरेज ए सी, या हम इसको बोलेंगे एवरेज टोटल कॉस्ट। ये क्या हो गया, ये ज़्यादा है तो हम इसको यदि हम ए डाल दें तो, और ये पी है और इसको हम पी डैश डाल देते हैं, यानी कि हमको यदि जब हम कॉस्ट हमारा ओपी से बढ़कर ओपी वन हो जाता तो हमको प्रॉफिट होता, अभी हमारा क्या है लॉस में। तो ये जो एरिया है वो हमारा लॉस का एरिया है। अब फर्म को लॉस तो हो रहा है, तो क्या ये इस लॉस पर क्या वो शट डाउन कर देगा अपने फर्म को, प्रोडक्शन कंटिन्यू नहीं करेगा? नहीं, यहाँ पर वो अपना शट डाउन नहीं करेगा। इस लॉस पर वो टाइम पीरियड इतना कम है कि वो एग्जिट भी नहीं कर सकता, इस पे वो कंटिन्यू करेगा। क्यों कंटिन्यू करेगा, इस जो प्राइस पर क्या हो रहा है कि उसको एवरेज कॉस्ट जो है पूरा का पूरा मिल रहा है। मैं अभी दिखा रही हूँ, यदि हम ऐसे सपोज करते हैं कि प्राइस जो है कम गया और घट गया, प्राइस यदि घट गया और ये हो गया ए आर टू इज इक्वल टू एम आर टू, तो जो हमारा प्राइस घट के हम सपोज कर लेते हैं, इसको पी वन कर लेते हैं, इसको पी टू कर लेते हैं, तो हमारा एवरेज वेरिएबल कर्व जो होगा, कॉस्ट कर्व जो होगा कुछ ऐसा, एक सेकेंड, इसको थोड़ा यू आकार में है, तो हम चूंकि शॉर्ट रन में है तो शॉर्ट रन में बहुत वाइड नहीं करना है, तो नहीं तो ये वाला हो जाएगा, जो बहुत ज़्यादा वाइड करेंगे तो ये लॉन्ग रन जो है एवरेज कॉस्ट कर हो जाएगा। तो इसको कुछ हम ऐसे करके ऐसे करते हैं, यहाँ पर पॉइंट दिखाते हैं कि प्राइस पर ये बराबर है। अब हम इस पॉइंट को, यदि इस पॉइंट को बी रखें, इसको हम सी रखें और इसको हम क्यू रखें और ये पॉइंट को हम ई वन ही करते हैं। तो अब देखते हैं कि क्या हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है कि ओपी प्राइस जब हमारा फर्म का है तो उसको ये जो है ये लॉस हो रहा है और उसको फिक्स्ड कॉस्ट भी मिल रहा है कुछ और वेरिएबल कॉस्ट भी मिल रहा है। आप देखो कि ये जो बी क्यू है, ये वाला एरिया है, ये वाला एरिया है, ये जो एरिया है वो उसका वेरिएबल कॉस्ट का है। जब उसका प्रोडक्शन ये है, उसका क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन जो आउटपुट ओ क्यू है, तो जो बी क्यू है बी क्यू वेरिएबल कॉस्ट है, लेकिन जो रिमेनिंग जो है ई बी जो है उसको क्या मिल रहा है, फिक्स्ड कॉस्ट मिल रहा है। यानी कि ओ क्यू प्रोडक्शन जब उसका हो रहा है वो लॉस में है, लेकिन उस वेरिएबल कॉस्ट के अलावे उसको कुछ फिक्स्ड कॉस्ट भी मिल रहा है। यानी कि इस केस में जो है उसको ए बी सी जो है वो मिल रहा है बी क्यू, और जो ए एफ सी है वो जो है मिल रहा है बी ई के बराबर, ऐसे या ई बी, हम जो कुछ भी लिख सकते हैं हम ई बी ही लिख देते हैं, ई बी के बराबर। समझ में आ रही है,
क्योंकि जो ये एवरेज वेरिएबल कर्व है, ये वाला जो कर्व है एवरेज वेरिएबल कर्व है, तो एवरेज वेरिएबल कर्व क्यू जब हमारा आउटपुट है तो उस लाइन को कहाँ कट कर रहा है, बी पॉइंट पर कट कर रहा है। इसका मतलब ये जो है बी क्यू जो है वो क्या है, ए बी सी है, लेकिन इसके ऊपर चूंकि हमको प्राइस तो ओ पी मिल रहा है, तो यानी कि जो ई बी जो है ये वो क्या मिल रहा है हमारा, वो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट है। तो इसका मतलब ये लेवल जो प्रोडक्शन का होगा यानी कि ये प्राइस होगा, तो इस प्रोडक्शन इतना जो आउटपुट लेवल है इस पे वो जो है फर्म रन करता रहेगा। लेकिन किसी समय हम समझते हैं कि ये जो प्राइस ओपी है वो घट के ओपी टू हो जाता है, तब क्या होगा, जब ओपी टू प्राइस हो जाएगा तो हम देखते हैं एबीसी कर्व जो है इस कर्व को यहाँ पकड़ करता है, यहाँ एस, यानी कि आउटपुट वो घट जाएगा। तो इस ओपी टू प्राइस पर हम क्या देख रहे हैं कि वेरिएबल कॉस्ट मिल रहा है, एबीसी मिल रहा है, क्योंकि ये वाला इसका लॉर्ड जो पार्ट है निम्नतम बिंदु है वो यहाँ पर उसको प्राइस उतना प्राइस मिल रहा है, लेकिन फिक्स्ड कॉस्ट नहीं मिल रहा है। तो मैं पहले ही बताई कि जो शॉर्ट रन में कोई फर्म वर्क कर रहा है, अपना प्रोडक्शन कर रहा है, तो वो प्रोडक्शन करे या ना करे उसको ये कॉस्ट जो है वो बियर करना ही पड़ेगा। तो जब हमको ये बियर करना ही पड़ेगा और ये कॉस्ट यदि हमको मिल जा रहा है, यानी कि ये जो ये मेरा कॉस्ट है इतना हमको प्राइस मिल जा रहा है, यानी कि ए भी सी इज इक्वल टू हमको प्राइस मिल जा रहा है, तो हम क्या करेंगे, अपने उत्पादन को कंटिन्यू करेंगे। कितना उत्पादन हो जाएगा, लेकिन उत्पादन घट जाएगा, ओ क्यू से घट के ओ क्यू वन हो जाएगा ओ पी टू प्राइस पर, और एक फॉर्म जो है उत्पादन को कंटिन्यू करेगा जबकि उसको ये नहीं मिल रहा है, सिर्फ और सिर्फ यही मिल रहा है। अब क्या होता है कि किसी समय प्राइस इससे भी यदि घट गया नीचे, ये प्राइस घट के कुछ ऐसा हो गया ए आर थ्री इज इक्वल टू एम आर थ्री, तो इस केस में हम क्या देखते हैं, प्राइस जो है वो ए बी सी को भी पूरा नहीं कर पा रहा है, तो क्या करेगा, इस प्राइस पर जो है फर्म उत्पादन नहीं करेगा, यानी कि अपने फर्म को जो है शट डाउन कर देगा। तो यानी कि यही वाला एक जो पॉइंट है वो शट डाउन पॉइंट है, इसके बराबर यही जो है शट डाउन पॉइंट है। इसके बराबर ओपी टू के बराबर यदि प्राइस मिल रहा है जो कि एबीसी के बराबर है, तो वो फर्म प्रोडक्शन कंटिन्यू करेगा। यदि ओपी टू से नीचे आ गया तो वो अपने फर्म को शट डाउन कर देगा, वो प्रोडक्शन फर्दर नहीं करेगा क्योंकि वो एबीसी भी नहीं निकाल पा रहा। यदि कोई फर्म उत्पादन करता है और वो लेबर जितना लेबर को पेमेंट करता है, रॉ मटेरियल जितने में वो परचेज करता है, वो भी यदि वो प्राइस नहीं प्राप्त कर सकता है तो वो फर्म जो है कंटिन्यू नहीं करेगा प्रोडक्शन। तो ये जो है पूरा ये डायग्राम दिखा रहा है कि सडन पॉइंट क्या होगा किसी फर्म का। अब जो है ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि एक परफेक्ट कंपटीशन मार्केट के अंदर यदि कोई फर्म काम कर रहा है तो किस पॉइंट पर जो है वो शटडाउन करेगा, उसका वन जो है सेंटेंस में यदि हम आंसर करें तो हम ये बोलेंगे कि जो है शॉर्ट रन में दो तरह के कॉस्ट होते हैं, फिक्स्ड कॉस्ट होते हैं, एवरेज कॉस्ट होते हैं। फिक्स्ड कॉस्ट तो फिक्स्ड कॉस्ट यदि नहीं भी मिलेगा लेकिन वेरिएबल कॉस्ट के बराबर यदि प्राइस मिलता है तो वो अपने प्रोडक्शन को कंटिन्यू, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के बराबर यदि उसको प्राइस मिलता है तो वो अपने प्रोडक्शन को कंटिन्यू करेगा, लेकिन जैसे उससे कम हो जाएगा प्राइस वो अपने जो है फर्म को शट डाउन कर देगा। अब जो है हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे मोनोपोली, और मोनोपोली देखेंगे कि मोनोपोली क्या है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे, उसका प्राइस डिटरमिनेशन पढ़ेंगे, लॉन्ग रन शॉर्ट रन, फिर फर्दर आगे नेक्स्ट जो है मार्केट पढ़ाएंगे। ओके, थैंक यू।